हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डबल व्हाइल लूप क्या है। पिछली क्लास में हमने फॉर लूप के ज्यादातर एग्जांपल पढ़े, ज्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए मैंने उसमें आपको व्हाइल लूप को डबल व्हाइल लूप के साथ में नहीं कर पाए, और साथ में इसमें आपको तीनों लूप में डिफरेंस क्या है ये भी बताएंगे आपको। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को भी ले लिया साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछले वीडियो में कोई दिक्कत है या कमेंट्स करना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा जो है, और इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को भी दूर करूंगा जो पिछले वीडियो में कमेंट्स किया था लोगों ने। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आरआईटी चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग लैंग्वेज पढ़ना चाह रहे हैं, लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कठिन नहीं होती, उन्हें समझना जरूरी होता है। और आपको अगर समझते नहीं है ठीक से तो ये आपको प्रॉब्लम करती है, क्योंकि एक भी चैप्टर एक दूसरे से ये लिंकअप होते हैं और बिना उसके हम लोग इसको सीख नहीं सकते। जैसे अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप सबसे पहले लेटर पढ़ेंगे, फिर लेटर के बाद में आप आएंगे वर्ड पर। अगर आप मान लो वर्ड पढ़ना शुरू कर दें तो भी आप नहीं पढ़ सकते, सेंटेंस पढ़ना शुरू कर दे तो भी नहीं पढ़ सकते, यानी कि लेटर पढ़ना जरूरी है। और इसी प्रकार से लैंग्वेज में भी है, हर चीज का एक दूसरे से लिंकअप होता है, सही से समझने हैं जरूरी है आपको, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब क्वेश्चन आता है तो वो आसान नहीं होता है, टफ होता है, तो इसलिए उसके जवाब देने के लिए आपके पास सही से पढ़ा हुआ होना जरूरी है। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं, डबल व्हाइल लूप के बारे में बताते हैं। डबल व्हाइल लूप वैसे ही होता है जैसे कि फॉर लूप था, अंतर बस ये है लिखने के तरीके में। आपको यहां पे प्रोग्राम करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे आपको एक सिंपल प्रोग्राम बना करके दिखाता हूं। सिंपली इसमें कुछ ज्यादा हमें करना नहीं है, तो आसानी से प्रोग्राम ये बन जाता है। इंटेजर एक्स कॉमा वाई, डबल लूप के लिए हमें दो वेरिएबल लेना जरूरी है। एक्स की वैल्यू मैंने यहां निर्धारित कर दिया है, वाई लूप एक्स लेस देन आर इक्वल टू टेन। अब इसके अंदर हम जाएंगे और फिर से हमें y की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो y इक्वल टू वन, और फिर while लूप लिया फिर हमने यहां पे, और y लेस देन आर इक्वल टू फाइव ले लेता हूं मैं, अभी तो ये ऐसे ही सिंपल ही ले रहा हूं। फिर उसके नीचे मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाना है और यहां पे printf पासन डी y प्रिंट कर दिया। और अब मुझे क्या करना होगा, यहां पे y को अपडेट करना होगा, y प्लस प्लस यहां पे, इसके बाद में x प्लस प्लस। प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो रहा है लिखने में ये, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम हमारा लिख गया है। चलिए प्रोग्राम को अब क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं इसको। कंपाइलेशन में फेल हो गया है, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, एरर सेमीकोलन का दिया हुआ है। देखिए एरर को भी समझना है, और ये हमें लाइन नंबर फाइव पे दिखा रहा है। देखो हमने ये वाला एक लूप ओपन किया और ये हमने यहां बंद कर दिया, और ये हमने यहां स्टार्ट किया और ये यहां बंद कर दिया। यहां पे एरर है इस जगह पे, हमें एक बार रिकंपाइल करते हैं। तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और इस प्रोग्राम में कुछ आउटपुट भी जनरेट हो चुका है यहां पे है। प्रोग्राम का आउटपुट रीजनरेट करने के लिए मुझे यहां पे थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि आपको पता चल सके कि आउटपुट में क्या आ रहा है। तो डबल लूप का मतलब यह है कि लूप के अंदर लूप, डबल लूप, ट्रिपल लूप, फोर लूप, फाइव लूप,
इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपके कंप्यूटर पर डिपेंड करते हैं कि कितने बार आप लिखना चाहते हैं, या आपके कंप्यूटर अगर बहुत ही हैवी अगर लूप सपोर्ट कर सकता है तो आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, तो लूप के अंदर लूप हम चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, आउटपुट थोड़ा देर लगा रहा है आने में। तो इस तरीके से ये आउटपुट जनरेट हुआ 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से यह 10 टाइम तो काफी बड़ा प्रोग्राम हो गया, इसलिए जनरेट करने में इसने बहुत टाइम लगा दिया। अब मैं इसे चाहता हूं कि ये नया लाइन भी हमें दे, तो नया लाइन के लिए हमने यहाँ पे कॉपी किया और इस जगह पे मुझे नया लाइन लेने के लिए ये हटाना है और इस जगह पे हमें न्यू लाइन के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा नया लाइन। नया लाइन लिखने के बाद में इसे हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट यहाँ पे इस तरह से जनरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पैटर्न बनाना हमें है तो इस जगह पे हमें प्रिंट कराने की जगह पे परसेंट डी, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हार्स, और इस जगह पे हम हटा देंगे इसको तो ये हमें पैटर्न प्रिंट कर देगा, हैश हैश। ठीक है, तो जैसा भी आप चाहो आउटपुट इससे ले सकते हो, आपको वैसे ही डबल लूप काम करता है फॉर लूप की तरह ही, और ऐसे ही वाइल लूप भी करेगा। आप सब लोग हमें वाइल लूप जरूर कमेंट्स करेंगे कि जो वाइल लूप हमने अभी बताया है ये तो आप बताएंगे बनाएंगे, प्लस डबल वाइल लूप, डबल वाइल डू वाइल लूप, सॉरी डबल डू वाइल लूप हमें कमेंट्स करेंगे कि हमने प्रोग्राम इस तरह से बना लिया है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको तीनों लूप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं। डबल लूप में फॉर लूप मैंने बता दिया, वाइल लूप बता दिया, आपको डू वाइल लूप का बना करके हमें प्रोग्राम कमेंट जरूर करना है। चलिए अब हम आपको आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि डू वाइल लूप का जो डबल वाइल लूप था वो समझ गए आप लोग, अब फॉर डू वाइल और वाइल लूप में क्या अंतर है इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहला चीज ये कि आपको अगर लूप्स पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा लूप्स की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। लूप्स में अंतर क्या है पहले तो आपको थ्योरी पता रहेगी, तभी एग्जाम में आप जाकर के, यानी कि मैंने सर्च करके एक जगह से और नोट कर लिया फिर मुझे याद हो जाएगा। पहले मुझे तो पहला डिफरेंट यह है कि सभी में सिंटैक्स का अंतर है, सभी लूप में किस चीज का अंतर है, नंबर वन अंतर सिंटैक्स डिफरेंट है, सभी का सिंटैक्स आप अलग अलग लिख दीजिए। फॉर लूप का सिंटैक्स ये हो जाएगा, और ऐसे ही फॉर लूप के बाद में अगर हम दूसरा लूप देखेंगे, ये फॉर लूप, फॉर लूप के बाद में ये सिंपल प्रोग्राम है, और फॉर लूप के बाद में मुझे इसमें नीचे प्रोग्राम है वाइल लूप, किधर है इसमें, ये तो फॉर लूप की बहुत एग्जांपल दिया हुआ है इसमें है। इसमें टेबल वगैरह काफी कुछ दिया हुआ है, यही नोट्स है जो मैं आपको देता हूं, आप इस नोट्स को ले करके और अच्छे तरीके से अपने लूप्स को, प्रोग्राम को, पैटर्न को अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं। इसमें देखिए फॉर लूप पे काफी एग्जांपल दिया गया है, अब यहाँ पे वाइल लूप आया, तो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो आप वाइल लूप का जो सिंटैक्स इस तरीके से आप लिखेंगे जो है, ठीक है। अब वाइल लूप का सिंटैक्स देखिए, वाइल लूप में क्या है कि आपको कंडीशन पहले चेक करता है, वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक करता है, फॉर लूप में कंडीशन पहले चेक करता है, जबकि डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक करता है, यानी कि डू वाइल लूप में एक बार आउटपुट आएगा ही आएगा, जबकि फॉर और वाइल लूप में आउटपुट बिना कंडीशन ट्रू हुए नहीं आ सकता। तो ये भी आपका डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ज्यादातर प्रोग्रामिंग्स में या ज्यादातर प्रोग्रामर हमारे फॉर लूप का प्रयोग करते हैं जहां पे हमें फिक्स साइज का लूप होता है, जैसे हमने बोल दिया कि आपको 10 नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का प्रयोग करेंगे। अगर ये बोल दिया गया कि आपको कुछ नंबर प्रिंट करना है तो आप कंडीशनल यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे,
हमने बोल दिया कि आप एक नंबर पहले प्रिंट करो, इसके बाद में अगर देखते हैं कंडीशन ट्रू रहेगी तो प्रिंट करना, तो यहाँ पे हमारा डू व्हाइल लूप आ जाएगा। तो ये भी आप एक डिफरेंस लिख सकते हैं यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखिए तो ये दूसरा नोट्स है, इसमें आपको काफी कुछ थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया गया अलग अलग से चलाने का तरीका लूप का, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहा है यहाँ पे है। तो ये लूप को यहाँ पे और तरीके से डिफाइन किया गया, फॉर को फिर वाइल को। ये भी एक हिंदी और इंग्लिश मिक्स बुक है पूरा प्रॉपरली, तो इसमें भी आपको आउटपुट जनरेट करने का तरीका लिखा हुआ है। अच्छा मैं आपको एक बना बनाया डिफरेंस जरा दिखा देता हूँ कैसा डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा। स्पेशली देखिए सबसे पहले कंडीशन चेक, वाइल में कंडीशन चेक होता है, डू वाइल में कंडीशन जो है हमारा एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद चेक होता है। दूसरे में आप कम से कम आप लोग जब एग्जाम में लिखिएगा तो 5 डिफरेंस जरूर लिखिएगा, तो यहाँ पे 5 डिफरेंस लिखना जरूरी है। इट माइट अकर स्टेटमेंट इच एग्जीक्यूट 0 टाइम। देखिए वाइल आपका स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं है तो 0 टाइम, यानी कि कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, जबकि एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूशन जरूर होगा डू वाइल लूप में। दूसरा डिफरेंस है नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ वाइल, जबकि वाइल लूप में सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। कहां पे? यहां पे वाइल में, यहां की कंडीशन में, यहां की कंडीशन में लगाना जरूरी नहीं है वाइल में, जबकि यहां लगाना जरूरी होता है। अगला है इफ देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट आर नॉट रिक्वायर्ड। सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट नहीं रिक्वायर्ड होती है, ब्रैकेट आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, जबकि डू वाइल लूप में बिना ब्रैकेट्स का सिंटैक्स ही नहीं, उसका सिंटैक्स ही ब्रैकेट्स के हैं, तो वहां ब्रैकेट रिक्वायर्ड है, जबकि आपके डू वाइल लूप में वाइल लूप में ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। वेरिएबल इज अ कंडीशन, यहाँ पे एक प्रकार का वेरिएबल ही कंडीशन होता है, जबकि यहाँ वेरिएबल में भी इनिशियलाइज होता है। यहाँ पे इनिशियलाइज बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, वेरिएबल का कंडीशन इनिशियलाइज होता है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, जबकि यहाँ वेरिएबल इनिशियलाइज होता है बिफोर और विद इन लूप, लूप के अंदर ही हो जाता है। व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है, ज्यादातर आपको ये मिलेगा कि व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब जब तक कि ट्रू नहीं होगा तब तक वो आपका लूप स्टार्ट नहीं करेगा, जबकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। व्हाइल कंडीशन का लिखने तरीका ये है, जबकि डू व्हाइल का सिंटैक्स और लिखने तरीका ये है। तो ये तो था डिफरेंस आपका यहाँ पे दोनों का। अब यहीं पे आप ऐसे ही फॉर का भी आप लिख सकते हैं, फॉर वाले में क्या है फिक्स के लिए होता है, जबकि वाइल फिक्स के लिए नहीं होता है, डू वाइल फिक्स के लिए नहीं होता है। फॉर का सिंटैक्स वाइल डू वाइल से डिफरेंट होता है। फॉर में हमारे 3 स्टेटमेंट आपका होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका लिखने का सिंटैक्स में 3 स्टेटमेंट नहीं होते हैं, जैसे कि इसका सिंटैक्स देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, पहला दूसरा, उसमें आपको 3 पार्ट होता है। फर्स्ट सेकंड जो है वहां पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन लूप, आपको इसी तरीके से समझना है एक एक करके और इनके प्रोग्राम्स को लिखना है। अब इसका आप नोट्स जरूर बना लीजिए डिफरेंस बिटवीन लूप, और कम से कम 2-3 बार इसको आप रिवाइज करिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आपको वाइल एंड डू वाइल एंड फॉर लूप तीनों का डिफरेंस कमेंट करिए, ताकि अगर जिन बच्चों को ना मिल पाए या ना लिख पाए वे लोग को भी मिल जाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।